चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने केशवपुरम क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल में संसद में किसी ने भी चांदनी चौक के बारे में एक सवाल नहीं उठाया है, चांदनी चौक का जिक्र तक नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र के 10 साल खराब गए। यदि कोई व्यक्ति संसद में मौजूद था तो उसे यहाँ की समस्याओं के बारे में शोर मचाना चाहिए था, जो किसी भी चुने हुए व्यक्ति का मुख्य काम होता है। मैंने अभी बताया आपको, दो मुख्य मुद्दे होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। पहला ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी और नीतियाँ रहीं, उसमें जो वो बहुत ख़राब हैं, वो जनता के हित में नहीं रहीं और कभी कोशिश भी नहीं करी। आज पूरे चुनाव में किसी ने उनको एड्रेस भी नहीं किया कि महंगाई पे कोई सफाई देते, बेरोजगारी पे सफाई देते, किसानों की मौत पे सफाई देते, मजदूरों के नौकरी नहीं मिली उसके लिए सफाई देते, व्यापार का बुरा हाल है, व्यापारियों का बुरा हाल है, उस पर कोई बयान दे, कोई बयान नहीं है, सब उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। दूसरा ये कि 10 साल में एक भी सवाल चांदनी चौक के बारे में किसी ने पार्लियामेंट में नहीं उठाया, चांदनी चौक मेंशन ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस क्षेत्र के 10 साल खराब गए। अगर कोई भी आदमी अंदर था तो उसको यहाँ की समस्याओं के बारे में शोर मचाना चाहिए था, जो मुख्य काम होता है किसी भी चुने हुए आदमी का।